गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड, चैप्टर नंबर फर्स्ट, माई फैमिली। इस चैप्टर का हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो रिवीजन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फैमिली क्या होती है। फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड टू वन अनदर हु लिव इन द सेम हाउस। एक तो फैमिली होती है, एक ग्रुप होता है लोगों का जो रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, हु लिव इन द सेम हाउस, जो एक जो कहाँ रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, वो लिविंग द सेम हाउस, जो एक ही घर में रहते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं, उसे हम कहते हैं फैमिली। टाइप्स ऑफ फैमिलीज, फैमिलीज के टाइप पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? न्यूक्लियर फैमिली जो, अगर हम न्यूक्लियर फैमिली की बात करें, Adya lives in her parents and brother Arav. It is a small nuclear family. ये क्या होती है? न्यूक्लियर फैमिली होती है छोटी सी। Arav friend lives in his parents and Arav का जो फ्रेंड है वो कहाँ रहता है? अपने पेरेंट्स के साथ और अपने ब्रदर सिस्टर के साथ। इसको बोली जाएगी बिग न्यूक्लियर फैमिली। और Adya जो है वो रहती है अपने पेरेंट्स एंड हर ब्रदर एंड ब्रदर Arav। तो ये क्या है? एक स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली है जिसमें पेरेंट्स और उनके बच्चे हैं और उसका जो फ्रेंड है वो रहता है अपने पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर के साथ। तो उसमें ब्रदर और सिस्टर दोनों हैं तो वो एक बिग न्यूक्लियर फैमिली है। उसमें सिर्फ ब्रदर है ओनली, तो वो क्या है? एक स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली है। आगे बात करेंगे जॉइंट फैमिली के बारे में। जॉइंट फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट चिल्ड्रन, कजन्स, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, सब लोग इंक्लूडेड होकर एक साथ रहते हैं। वो फैमिली जो होती है वो होती है जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली जनरली बड़ी फैमिली होती है जिसमें सभी लोग एक साथ रहते हैं। सिंगल पेरेंट फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली क्या होती है? सिंगल पेरेंट फैमिली जिसमें चिल्ड्रन अपने वन पेरेंट के साथ, आइदर मदर और फादर या फिर दोनों के साथ रहते हैं, तो उसको बोलते हैं सिंगल पेरेंट फैमिली, जिसमें या तो वो अपनी मदर के साथ रह रहा है या फादर के साथ रह रहा है या दोनों में से कोई भी नहीं रह रहा, तो वो क्या है? सिंगल पेरेंट फैमिली, जिसमें एक ही पेरेंट पार्ट ले रहा है, रह रहा है अपने बच्चे के साथ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं फैमिली ट्री के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली ट्री। फैमिली ट्री में देखो मैन है, वुमेन है। मैन और वुमेन क्या है? फर्स्ट जनरेशन है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन का मैन एंड वुमेन, मैन है, वुमेन है। अब देखो मैन और वुमेन, फादर है, मदर है। ठीक है, इनसे ये आगे जाके इनसे देखो बॉय और गर्ल उनके चिल्ड्रंस बने। ठीक है, यहाँ पे मैन है, वुमेन है। अब देखो मैन और वुमेन में मतलब इनके ताई ताई है, इनके भी बच्चे हो गए जो कि क्या है? कजन्स बने। ठीक है, वुमेन है, बुआ है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन बनी है। अब देखो ये आपकी थी सेकंड जनरेशन और इससे बनी आगे थर्ड जनरेशन। ठीक है, एक मैन और वुमेन ने मिलकर आगे की जनरेशन फॉर्म की। ठीक है, तो ये इस तरीके से आगे जाकर के फैमिली ट्री बनता चला गया। पीपल इन द फैमिली, पीपल इन द फैमिली, डिफरेंट फैमिली हैव डिफरेंट नंबर ऑफ मेम्बर्स। अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज होती है उनके डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट दैट विच फैमिली आर लिविंग इन। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी फैमिली में रह रहे हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ मेम्बर्स कीप्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ड्यू टू द डिफरेंट फैक्टर्स। द नंबर ऑफ मेम्बर्स, जो मेम्बर्स होते हैं वो या तो इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होते रहते हैं। ठीक है, देयर इज अ मैरिज इन अ फैमिली। अगर कोई मैरिज होती है फैमिली के अंदर तो मेंबर्स जो होते हैं इंक्रीज होते हैं क्योंकि बाहर से भी कोई ना कोई नया पर्सन हमारी फैमिली में ऐड होता है। बर्थ ऑफ अ चाइल्ड आल्सो इंक्रीज द फैमिली। अगर हमारी फैमिली के अंदर किसी चाइल्ड का बर्थ होता है तो भी फैमिली रेट इंक्रीज होती है। द नंबर ऑफ मेंबर्स डिक्रीज इफ समवन शिफ्ट टू अनदर प्लेस और कंट्री। अगर कोई अनदर प्लेस या कंट्री में शिफ्ट हो जाता है तो फैमिली के अंदर नंबर ऑफ मेंबर डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है,
रिलेटिव्स जो होते हैं वो हमारे घर में सेम हाउस में नहीं रहते हैं. दे मीट ईच अदर ऑन स्पेशल डेज. वे केवल और केवल स्पेशल डेज पर ही एक दूसरे से मिलना हो पाता है. इंटरेक्शन बिटवीन द फैमिली मेंबर्स स्ट्रेंथ द बॉन्ड बिटवीन दैम. इंटरेक्शन होता है बिटवीन द फैमिली मेंबर्स. फैमिली मेंबर्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है स्ट्रेंथ द बॉन्डिंग, तो वो क्या करता है, उनकी बॉन्डिंग को स्ट्रेंथ देता है. ठीक है, फैमिली वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे. फैमिली वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज लिविंग टूगेदर टीच अस टू केयर शेयर हेल्प अदर एंड बी काइंड टू द पीपल अराउंड अस एंड अदर्स. देखो, एक साथ साथ रहते हैं तो क्या होता है, केयर शेयर हेल्प अदर और दूसरों के प्रति काइंड रहना होता है. दीज वैल्यूज आर टॉट अस आवर बाय आवर फैमिली. ये जो हमारी जो वैल्यूज होती है हम अपनी फैमिली से सीखते हैं. बिकॉज एक चिल्ड्रन का जो फर्स्ट स्कूल होता है वो उसकी फैमिली होती है. हेयर आर सम वैल्यूज. यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज के बारे में आपको बताऊंगी जो हम अपनी फैमिली से सीखते हैं. फैमिली वैल्यूज, ठीक है, वी मस्ट बी पोलाइट टू ऑल. वी मस्ट बी पोलाइट, हमें पोलाइट रहना चाहिए सबके साथ. वी मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स एंड लव द यंगर वंस. वी मस्ट, हमें क्या है, वी मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. एंड लव टू द यंगर वंस, छोटों से प्यार करना चाहिए. वी मस्ट हेल्प एंड टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स, हमें अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प करनी चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए जरूरत पड़ने पर. ठीक है, शेयरिंग ही केयरिंग होती है. जितने भी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं सबके कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रोल्स होते हैं फैमिली में. जैसे हमारे फादर जो होते हैं वो हमारी फैमिली में सारे बाहर के काम करते हैं. मदर एंड आंट लुक आफ्टर द नीड ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स. जो मदर और आंट होती हैं वो सबकी नीड्स जो फैमिली में होती हैं उनको पूरा करती हैं, उनको देखती हैं. जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना और अपने बच्चों की पढ़ाई में हेल्प करती हैं. ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो अपने जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनको मोरल वैल्यू सिखाते हैं. चिल्ड्रंस जो होते हैं वो बड़ों के हेल्प करते हैं घर पर, जैसे कि सब्जी लाना, लेइंग द टेबल, वाटरिंग मीन प्लांट्स, प्लांट्स में वाटर दे करके. दे आल्सो स्पेंड टाइम विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स, और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं. हम बहुत बार ये नोटिस करते हैं, द फैमिली मेंबर्स शेयर सम फिजिकल और फेशियल फीचर्स. दिस इज कॉल्ड रिम्ब रीबैलेंस रिसेम्बलेंस. द बॉय मे बी टॉल और शॉर्ट. अगर हम देखें तो जैसे मान लो अगर किसी के पेरेंट्स की हाइट छोटी है तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की हाइट भी छोटी रह जाती है. देयर कैन बी सिमिलरिटी इन द कलर. अगर हम बात करें कलर की तो अगर आइज का कलर, खाने की हैबिट्स, द कॉम्प्लेक्शन एंड द टेम्पर एंड टेम्परमेंट कैन बी सेम. दिस रिसेम्बलेंस इज ड्यू टू द इनहेरिटेंस फ्रॉम अवर पेरेंट्स और इवन ग्रैंड पेरेंट्स. दे कॉल्ड हेरिडिटी फैक्टर्स. कुछ हेरिडिटी फैक्टर्स होते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं. जैसे आईज का कलर, फेस कलर और बालों का कलर, बालों की वैल्यू देख, अगर हम लेंथ देखें तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे मदर के बाल लंबे हैं तो बच्चे के बाल भी बहुत लंबे होते हैं. ऐसे ही हाइट देखें तो अगर पेरेंट्स की हाइट छोटी रह जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की हाइट भी छोटी रह जाती है. तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो डिपेंड करती है हेरिडिटी फैक्टर पर. या पापा की हाइट बहुत लंबी है तो जो बच्चा हो रहा है उसकी हाइट भी पापा की हाइट पर गई है. तो ये पेरेंट्स के अंदर, मदर और फादर से बच्चे के अंदर ट्रांसफर होती है सारी चीज़ें. तो ये सारे के सारे हेरिडिटी फैक्टर होते हैं. तो इनहेरिटेंस के कारण ये सारे जो है बच्चे में देखने को मिलते हैं. तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है. इस चैप्टर को आप रिवाइज करोगे, चैप्टर की डेफिनेशंस क्वेश्चंस लर्न करके चैप्टर का रिवीजन करोगे.